जिस खिलाड़ी को रिंकू सिंह ने एक ओवर में लगातार दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं और छठी बॉल पर छक्का मारकर डिप्रेशन में डाल दिया था, आधे टूर्नामेंट से जिसे बाहर कर दिया था, रिंकू के छक्कों की वजह से जिसका वेट 4-5-6 किलो कम हो गया था, वो खिलाड़ी जब आईपीएल के ऑक्शन में आता है तो 5 करोड़ में बिक जाता है और वो रिंकू सिंह जिन्होंने 5 छक्के मारे थे वो 50 लाख रुपए में रह जाते हैं। ये कहानी जब पता चलती है तो यार दिल से बुरा लगता है रिंकू सिंह के लिए। हालांकि रिंकू सिंह को लेकर अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग सैलरी निकल रही, कई लोग कह रहे हैं 50 लाख है, कई लोग कह रहे हैं नहीं प्रमोट कर दिया गया था 80 लाख रुपए कर दिया गया था, लेकिन इतना तय है करोड़ों में नहीं गई थी। अब सवाल यही है कि यार एक तो आरसीबी क्या सोच के प्लेयर्स लेती है, मतलब आप सोचिए अलजारी जोसेफ और यश दयाल चिन्ना स्वामी में गेंदबाजी कर रहे हैं, हर साल की उनकी यही कहानी है, वो गेंदबाज ऐसा लेते हैं जो दबा के पिटता है और उस पिटाई का असर होता है कि विराट रन बनाते रहते हैं, मैक्सवेल मारते रहते हैं, सेकेंड इनिंग में जी जाते हैं, फर्स्ट इनिंग में मतलब फर्स्ट इनिंग बैटिंग की तो हारना पक्का। लेकिन आरसीबी के रोने गाने पर एक तरफ बाद में कहानी चर्चा करेंगे, उनके मैनेजमेंट के सिलेक्शन को लेकर सवाल करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे रिंकू सिंह की। यार रिंकू सिंह 80 लाख रुपए में और मिचेल स्टार्क 25, कमिंस 20, डैरिल मिचेल 14 करोड़, मतलब कहीं से क्या ये बनता है? क्या ये उसके साथ गलत नहीं है? मतलब दिल से तो बुरा लगना चाहिए और लग भी रहा है, हैरानी हो रही है मुझे, मतलब बहुत 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 शॉकिंग है क्योंकि यश दयाल को 5 छक्का मारा था यार बैक टू बैक और 5 करोड़ में गए। मेरे को लगा यार क्रिकेट के बाजार में सबका मोल एक जैसा नहीं है, आप परफॉर्मेंस कितनी भी करें किस्मत बहुत मैटर करती है। जैसे किस्मत चमक गई पैट कमिंस की, किस्मत चमक गई मिचेल स्टार्क की, किस्मत चमक गई नए नए लौंडों की। रिंकू सिंह बताओ यार, मैं फिर ये बात मैं डाइजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि रिंकू सिंह 50 लाख, यश दयाल 5 करोड़। लाइफ इज सो अनफेयर, जिंदगी कई बार आपको इतना हिट करती है कि आप सोचो कि यार क्या है। और ठीक है आरसीबी ने सिलेक्शन किया, वैसे आरसीबी के फैंस जो थे वो चाहते थे कि उनके पास मिचेल स्टार्क आ जाए, लेकिन वो लाए हैं अलजारी जोसेफ और रिंकू सिंह, ओ क्या नाम है यश दयाल। बॉलिंग लाइनअप भी उनका हम देख रहे थे बहुत ठीक ठाक नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन जब मैं आईपीएल के ऑक्शन देखता हूं और मुझे दिखाई पड़ता है मिचेल स्टार्क 24 करोड़ में चले गए, पैट कमिंस जो हैं वो 20 करोड़ में चले गए, डैरियल मिचेल जैसा प्लेयर 14 करोड़ में गए, अलजारी जोसेफ 11.5 करोड़ में गए, जॉनसन 10 करोड़ में गए, तो फिर मेरे जहन में सवाल आता है कि यार इनको अंधा पैसा दे दिया गया। हर्षल पटेल को 11.5 करोड़ दे दिया गया, वो नया लड़का आया समीर रिजवी जिसने सिर्फ एक टूर्नामेंट में अच्छा किया, सिर्फ एक टूर्नामेंट में अच्छा किया और उसकी किस्मत जबरदस्त थी, सीएसके ने उसको खरीद लिया 8.40 करोड़ में। फिर रिंकू क्यों? हाँ मतलब उसका भी तो बनता था ना यार, केकेआर से अगर लॉयल्टी ना दिखाता आगे बढ़ जाता और कहता हमको भी ऑक्शन में जाना है तो शायद कहानी अलग होती। फिटनेस फॉर्म बहुत मैटर करती है, पीक ईयर है, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि जब भी वो मेगा ऑक्शन होगा या रिटेन होगा तो उनकी कीमत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये अंधी कीमत नहीं होगी। टीमें रिटेन भी करेंगी तो यार 15 करोड़ में, 12 करोड़ में, 14 करोड़ में, मतलब रिटेन में तो पैसा कम मिलता है ना। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, इन चारों की कीमत मिला दीजिए तो 55 करोड़ रुपए आ रहा है या 51 करोड़ आ रहा है, और अकेले पैट कमिंस और इस्टाक की कीमत जो 45 करोड़ आ रही है, तो रिटेन करने में तो मुझे लग रहा है ज्यादा नुकसान है। आप जाइए ऑक्शन में, अगर आप बड़ा नाम है आप जाइए, आपको अंधा पैसा मिलेगा। केकेआर ने जो रिंकू सिंह की टीम को रिटेन कर दिया, कितने सस्ते, कितने मजे मजे में। नीतीश राणा 8 करोड़ में चले गए, रिंकू सिंह 55 लाख में, रहमानुल्ला गुरबाज जैसा तगड़ा प्लेयर जो है वो 50 लाख रुपए में गया, जेसन रॉय 2.5 करोड़ में, सुनील नरेन 6 करोड़ में, सुयश शर्मा जैसा परमानेंट बॉलर जो हर मैच में खेलेगा बढ़िया विकेट निकालेगा उसको 20 लाख रुपए में ले लिया, रसल 16 करोड़, अय्यर 8 करोड़, हर्षित राणा 20 लाख, वैभव अरोड़ा 60 लाख, ये सब खेलने वाले। हालांकि केकेआर वाले भी होशियार थे, उन्होंने कई सारे प्लेयर निकाले जो वो इसीलिए निकाले थे कि चलो ठीक है देखा जाएगा, एक सीनियर प्लेयर, एक सीनियर बॉलर ले आए हैं और बाकी बॉलर जो है वो ले आए हैं उनके पास नए लड़के, उनके नए लड़कों को फायदा हो जाएगा ये मुझे लगता है, वैभव और वरुण जो है इनको काफी हेल्प मिलेगी और वो जबरदस्त गेम जो है वो खेलने। लेकिन फिर सवाल वही मेरे मन में आता है कि यार मतलब ठीक है यार लाइफ इतनी अनफेयर कैसे हो सकती है। समीर रिजवी को 8.5 करोड़, वो नया लड़का आया है कुमार कुशाग्र, ऋषभ पंत की टीम में, ऋषभ पंत कैप्टन है तो जाहिर से विकेट कीपर खेलेंगे, एक्स्ट्रा विकेट कीपर लाया, 20 लाख रुपए उसका बेस प्राइस था, 7.5 करोड़। शिवम मावी 6.5 करोड़। रिंकू सिंह फिलहाल इंडियन टीम के नेशनल टीम में है, वनडे में भी, टी20 में भी, वो बेचारा 50 लाख रुपया।
इससे दो चीज समझ में आती है, एक टैलेंट को आप पैसों से मत तौलिए, टैलेंट अपनी जगह है, पैसा जो है वो किस्मत अपनी जगह। पवन नेगी को एक बार धोनी ने 8 करोड़ में खरीद लिया था, इस बार तो हालांकि अंधा पैसा पाया। पहली बार जब आईपीएल हुआ था तो केवल 20 करोड़ रुपए का बजट था टोटल, इस बार तो 20 करोड़ में खाली कमिंस गए, 25 में दो चले गए, मतलब कई लोग ऐसा है। रचिन रविंद्र ने हाईएस्ट रन बनाए थे, उनको 1.5 करोड़ मिला है, चेन्नई ने दिया, और उसी टीम में डैरियल मिचेल को 14 करोड़ रुपया दिया गया। अब मेरी समझ में नहीं आया कि यार एक आदमी बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है, नया लड़का है, तगड़ा लड़का है, इंडिया कंडीशन समझता है, अभी वर्ल्ड कप में 2-3-4 शतक मार गया है, उसको आप कम पैसा दे रहे हो, उधर जा दे रहे हो। स्पेंसर बताओ यार, लड़के आए हैं वो सब 10-10 करोड़ रुपये लेके आ रहे हैं। तो रिंकू भाई के लिए हमको थोड़ा बुरा लगा, हमको लगा हम आपसे पूछते हैं कि जिंदगी इतनी टफ क्यों है, और रिंकू भाई को क्या ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था, बनता था उनका, हमको लगता है बनता था, और नहीं मिला तो थोड़ा दुख भी हमको हो रहा है। आपको क्या हो लग रहा है, क्या सोच आपकी है, जरा हमको समझाइए बताइए, और कितना कीमत लगना चाहिए था रिंकू सिंह का, 15 करोड़ तो कम से कम मिलना चाहिए।